चटपटी तीखी खट्टी चटकदार बिल्कुल बाजार वाली पानी पूरी का पानी और मसाला अब बनाएंगे घर पे ही बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है बिना किसी मेहनत के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पानी पूरी खाना तो हर किसी को पसंद होता है, बट ऐसा होता है कि बहुत लोग अलग अलग जगह रहते हैं और अलग अलग जगह से आते हैं तो उन्हें वहाँ का पानी पूरी नहीं पसंद आता, या फिर ऐसे भी हमें थोड़ा चटपटा ही पानी पूरी पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल चटपटी रेसिपी। तो चलिए चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। यहाँ हमें सबसे पहले ले लेना है एक बाउल और उसमें डालना है हमें 1/4 कप इमली। ये आप वजन में देखोगे तो 30 ग्राम होंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप बॉयल पानी। तो यहाँ पे मैं बस खट्टी वाली चटनी बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे गुड़ या फिर शुगर ऐड नहीं किया। अगर आपको मीठी चटनी बनानी है तो आप यहाँ पे गुड़ और शुगर ऐड कर सकते हो। और फिर हम इसे ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। अभी यहाँ पे हमारे आधे घंटे हो चुके हैं, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो इमली है वो बहुत अच्छे से गल गई है। तो अभी हमें क्या करना है, इसे हाथ से अच्छे से मैश कर लेना। आपको इसको मैश करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, और अगर आपको अब मैश नहीं करना, अपने हाथ गंदे नहीं करने, तो आप इसको मिक्सी जार में भी पीस सकते हो। अभी हम इस इमली के पानी को अच्छे से छान लेंगे ताकि जो भी इमली के जो भी रेशे हैं वो ना आए हमारे पानी पूरी के पानी में। अगर आप इस इमली को मिक्सर जार में ग्राइंड कर रहे हो आपको तब भी इसे छान के ही लेना है। यहाँ पे हमारा इमली का मिक्सचर अच्छे से रेडी है, तो अब इसमें हम डाल देंगे आधा लीटर ठंडा पानी। यहाँ पे मैंने बिल्कुल चिल्ड वाटर यूज किया, इसीलिए यहाँ पे मैं आइस क्यूब्स नहीं यूज कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल पानी यूज कर रहे हो तो आप आइस क्यूब्स डालना ना भूलें। अब यहाँ पे हमें डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसमें हम आगे जाके काला नमक भी डालेंगे, चाट मसाला भी डालेंगे, तो आप नमक उसी के अकॉर्डिंग डालें। अभी हम यहाँ पे डालेंगे एक छोटी चम्मच काला नमक, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आप चाहो तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स का भी यूज कर सकते हो। और उसी के साथ हम यहाँ पे डाल देंगे एक बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर। यहाँ पे भुना हुआ ही जीरा का पाउडर यूज करना है क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग होता है, तो मार्केट वाला यूज ना करें। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच पानी पूरी का मसाला। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे जलजीरा पाउडर का भी यूज कर सकते हो, उसका भी टेस्ट सेम ही होता है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। सभी चीजों को हमें यहाँ पे मिक्स 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 कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे एक छोटे साइज का कटा हुआ प्याज। प्याज को भी यहाँ पे हम अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें डाल देंगे 1/4 कप फ्रेश कटे धनिया पत्ती। अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 बड़े चम्मच या फिर 1/4 कप बूंदी। बूंदी जो रायता वाली बूंदी होती है ना, वही डालनी है हमें यहाँ पे। ये हमारे घर में हमेशा इजिली अवेलेबल होता है। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, और अगर है तो डाले, और ये मार्केट में भी बहुत ही इजिली मिल जाता है। अभी यहाँ पे हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच चाट मसाला का पाउडर और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमारा पानी पूरी का बहुत ही टेस्टी पानी बन के रेडी है। और हाँ, यहाँ पे मैं किसी भी तरह की धनिया और पुदीना की चटनी यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये पानी पूरी का पानी मैंने थोड़े अलग तरीके से बनाया है। अगर आपको धनिया चटनी वाली पानी पूरी का पानी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं उसका लिंक इससे अटैच कर दूंगी एंड स्क्रीन पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। पानी तो बन के रेडी है, तो अब झटपट से बना लेंगे मसाला। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 मीडियम साइज के बॉइल्ड आलू जिसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। यहाँ पे डालेंगे 2 बड़े चम्मच फाइनली चॉप्ड प्याज, 1 चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच भुने जीरे का पाउडर। नमक कैसे भूल सकते हैं, तो अब डाल देंगे थोड़ा सा नमक। एक छोटे साइज के हरे मिर्च को यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, वो डाल देंगे। अभी जो हमने पानी पूरी का पानी बना के रखा था ना, वो 2 बड़े चम्मच यहाँ पे डाल देंगे। अभी यहाँ पे हमें सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये बिल्कुल ही खट्टा और चटपटा बन के रेडी होगा। तो अगर आपको ज्यादा खट्टा नहीं पसंद, तो जब आप इमली का पानी बना रहे हैं उसी टाइम उसमें थोड़ा सा शुगर या फिर थोड़ा सा जैगरी यानी कि गुड़ डाल दें। अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से फ्रेश कटी धनिया पत्ती और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स 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 कर लेंगे। और हाँ, अगर आपके पास चने हैं जो कि आपने पानी में पहले से भिगो के रखे हैं, अगर वो भी हैं तो यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पानी भी तैयार है, आलू का मसाला भी तैयार है, तो फटाफट से चलिए हम अपने गोलगप्पे को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बाजार में मिलती है ना पानी पूरी वाली टिक्की, वो ली है। तो अभी यहाँ पे हम अपने पानी पूरी की टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है, तभी ये क्रंची होगी। और मुझे अपने लिए बस बनाना था, तो मैंने यहाँ पे ये टिक्की घर पे ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो फ्राई कर ली। जब ज्यादा लोग होते हैं तो सब मिलके बनाते हैं तो मजा आता है, तो वो ऑथेंटिक वाली भी हम बना सकते हैं जो सूजी और आटे की बनती है। तो अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप बताना, मैं जब भी बनाऊंगी उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगी। एक साथ हम बहुत सारे गोलगप्पे फ्राई कर सकते हैं, तो आपने देखा ना कितना आसान है बहुत सुपर टेस्टी पानी बनाना भी, आलू का मसाला बनाना भी। मैंने यहाँ पे सारे गोलगप्पे को फ्राई कर लिया है, और अब तो मैं चली इसे इंजॉय करने। आप भी जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। अब यहाँ पे हमें अपने गोलगप्पे ले लेने हैं और उसे इस तरीके से फोड़ लेना है, फिर उसमें डाल देना है आलू का मसाला और उसी के साथ डाल देना है अपना चटपटा पानी। और आप यकीन मानो ये बहुत ही टेस्टी था, एक बार ट्राई जरूर करना। और मिलते हैं फिर इसी तरह की एक आसान और नई रेसिपी के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।